थ्योरम SSS कंग्रुएंस रूल। स्टूडेंट जानते हैं क्या होता है? इफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। वन ट्रायंगल का थ्री साइड्स दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड्स के इक्वल होता है देन दोनों ट्रायंगल SSS कंग्रुएंस रूल से कंग्रुएंट होता है। आइए इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए दो ट्रायंगल ABC और PQR कंस्ट्रक्ट करेंगे। गिवन AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। अब हम यहाँ ABC और PQR पहले कंसिडर किए, अब QRS ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे सच दैट दिस एंगल इसके इक्वल और दिस एंगल इसके इक्वल। यहाँ मैंने बता दिया है। अब ट्रायंगल को प्रूफ करना है, सॉरी कंग्रुएंस रूल को प्रूफ करना है। इसके लिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल QRS है ना, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल SQR। तो ABC ट्रायंगल और SQR ट्रायंगल दोनों को कंग्रुएंट करेंगे। तो स्टूडेंट S7 एंगल 1 के इक्वल और BC QR के इक्वल है ना, एंगल 8 एंगल 2 के इक्वल, देन दोनों ट्रायंगल ABC और SQR कंग्रुएंट हो जाएगा बाय ASA कंग्रुएंसी से है ना। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करेंगे और करेस्पॉन्डिंग साइड, क्यों कंग्रुएंट ट्रायंगल का करेस्पॉन्डिंग साइड और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है बाय CPCT। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल QSR, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल QSR, एंगल ए किसके इक्वल QSR, AB इज इक्वल टू QS, AB इज इक्वल टू QS और AC इज इक्वल टू RS, AC इज इक्वल टू RS है ना। तो इस ट्रायंगल का ये AB किसके इक्वल होगा इसके, क्यों CPCT से, और AC SR के इक्वल बाय CPCT और एंगल ए किसके इक्वल QSR के बाय CPCT। अब स्टूडेंट यहाँ देखा जाए AB और PQ इक्वल गिवन और AB QS इक्वल बाय CPCT देन इस दोनों से PQ इज इक्वल टू QS हो जाएगा। अब ट्रायंगल का दो साइड इक्वल देन ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा इक्वल, यानी 5 इज इक्वल टू 3। अब AC इज इक्वल टू PR है ना और AC इज इक्वल टू SR, AC और PR इक्वल गिवन AC और SR इक्वल बाय CPCT देन इस दोनों से क्या रिजल्ट आएगा PR इज इक्वल टू RS। अब ट्रायंगल का दो साइड इक्वल देन ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा इक्वल, तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। अब इस दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेंगे है ना, देन क्या रिजल्ट आएगा LHS एक साथ ऐड होगा और RHS एक साथ ऐड होगा, तो रिजल्ट आएगा एंगल QPR इज इक्वल टू QSR। तो QPR ये एंगल है और QSR ये एंगल है। अब ये एंगल इसके इक्वल हो गया, बट ये एंगल इसके इक्वल है ना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल QSR, एंगल A किसके इक्वल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल देन ये एंगल हो जाएगा इसके इक्वल। तो और ये रिलेशन मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है, मैं फिगर पर डायरेक्ट बता दिया, इसमें देख लेंगे यहाँ पर रिजल्ट है। अब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को क्या करेंगे कंग्रुएंट, तो इसमें कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है, AB इज इक्वल टू PQ गिवन, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P प्रूव्ड, AC इज इक्वल टू PR गिवन, दोनों ट्रायंगल PQR और ABC और PQR कंग्रुएंट हो जाएगा बाय SAS। ओके थैंक्स।